subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दुश्मनों से भरे इस ट्रैक में और साथ साथ रोमांस से गुम हो चुके इस सीरियल में यानी कि नामकरण में अब बहुत ही जल्दी शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं और साथ साथ आप भी तैयारियां शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ही जल्दी अपनी लवनी की शादी होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब नामकरण की कहानी में यूं तो बहुत हो चुका है दुश्मन बाजू का खेल, बहुत जीत चुके हैं ये दुश्मन और बहुत ही ज्यादा परेशान कर चुके हैं हमारे मोस्ट फेवरेट कपल यानी कि नील और रवनी को। लेकिन आपको बता दें कि कहानी में अब बहुत ही जल्दी आप देखने वाले हैं कि कैसे कैसे दुश्मनों का सफाया करेगा नील और साथ ही अवनी लेगी अपने हर उस कल से बदला जो खुद दयावंती ने उसका बिगाड़ा था, यानी कि अवनी अपने हर अतीत का बदला लेने वाली है दयावंती से। लेकिन इसके तुरंत बाद यानी कि जैसे ही श्वेता सुधर जाएगी, जैसे ही कहानी में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैसे ही बेबी करने वाली है एक बहुत बड़ा ऐलान और वो ऐलान होने वाला है और किसी भी चीज का नहीं बल्कि नील और अवनी की शादी का। जी हाँ, आपको बता दें कि तैयार हो जाइए क्योंकि एक बहुत बड़ी शादी स्टार प्लस पर एक बार फिर से होने वाली है जो ग्रैंड वेडिंग। अब कितनी ज्यादा धमाकेदार होती है और क्या क्या उस ग्रैंड वेडिंग में तड़का लगता है ये देखना हो जाएगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे पहले ये भी देखना होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार कि भाई कौन करता है शुरुआत यानी कि कौन करता है एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज। जाहिर तौर पर अवनी तो नहीं करेगी क्योंकि अवनी तो अभी खुद ही नहीं जानती है अपने दिल की बात। तो ऐसे में देखना होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कि भाई नील कैसे एफर्ट्स करता है अवनी को मनाने की और साथ साथ उसे प्रपोज करने की भी। वैसे कितने एक्साइटेड हो गए हैं आप इस ट्रैक को सुनने भर से, जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।